ये हमारी कार है और ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हम है, ये हमारी इन्वेंट्री है और यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री दिखाने आए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज हम इन्वेंट्री दिखाएंगे, इन्वेंट्री ठीक है अपनी। और ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि सीज़न वन का अकाउंट है, मैंने बहुत मेहनत की इस पर बहुत ही ज़्यादा, और क्या कह सकते हैं। तो लास्ट में भी एक स्पेशल बात है, वो भी बताऊँगा आपको। और मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अगर आपको ये बात बुरी लगती है जब मैं आपको बुज़ुर्ग बोलता हूँ, तो काइंडली आप अनसब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है वही मुझे चाहने वालों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो एक बंदे दो बंदों की वजह से मैं 100 बंदों की ख्वाहिश साइड पर नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो काइंडली अनसब्सक्राइब करके आप उनके पास जाएँ जो आप जो बंदे आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अपना स्टेटस तो ऐसे ही चलाना है। तो मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, वीडियो को पूरे देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना, तबाह हो जाता है पूरा वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन भी दबा दो। तो वीडियो शुरू करते हैं। आय हाय, जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मिलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल तो मेरे प्यारे बुजुर्गों। तो स्टार्टिंग करते हैं इस सूट से, ठीक है। मेरा अपना सूट कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सूट से, ठीक है, जो गोल्डन ट्रिगर कोट है। तो ये मुझे मिला था कोई, आई थिंक सीजन 6 or 7 की बात है, या 5 की, मुझे नहीं याद मुझे कब मिला था, बट पता नहीं कैसे मिला मुझे, अभी भी याद ही पता नहीं मैं, क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं उसको, मित्ते क्या और मुझे कैसे मिला मुझे कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद आते हैं इस सूट पे, ब्लैक शार्क डाइविंग सूट। ये तो मुझे वो क्लासिक मतलब वो प्रीमियम क्रेट आया था उसमें से निकला था, ठीक है। और मतलब मैंने 2-3 ही क्रेट मारे थे और भाई साहब खुद निकल आया। और मतलब मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं, ये है सीज़न 7 रॉयल पास 100 आरपी का सूट। उसके बाद आते हैं सीज़न 8 का आरपी सूट, ये है द 7 सी सेट। ये उसमें आया था, क्या कहते हैं, सैको, ये किस में आया था, अरे क्लासिक रेट में मेरे ख्याल से आया था। हाँ, अभी भी मुझे क्योंकि दो आए थे, 7 सी, ए दो आए थे ऐसे 7 सी वाले, एक था स्पिन में और एक था क्लासिक रेट में, मतलब प्रीमियम क्रेट में। ये प्रीमियम क्रेट वाला है, हाँ ये प्रीमियम क्रेट वाला, सही है, ये मैं तब भी तुझे बता। और उसके बाद आते हैं सीजन 9 रॉयल पास का 100 आरपी सूट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम में। फिर उसके 10 के बाद, 10 का तो इतना टटी लगा, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ खास ही नहीं लगा था ये वाला, ठीक है। बाद में आते हैं ये, हाँ पता है, पता है, क्लासिक में, क्योंकि एक दूसरा था वो दूसरे उसमें आया था। ये बॉडी बिल्डर सूट, ठीक है, ये मुर्गी वाला नोट भी इसके साथ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कहाँ, इससे मैंने बहुत लोगों को तंग किया, हद से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद वो जो ये इस सूट का भी एक वो है, क्या कहते हैं, कांच लग गया, मोट, मोट इसका भी है, मोट कांच लग गया भाई। ओ हेलो सर, सर सर, ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं सीज़न 11 के 100 आर के सूट पे। इसको पाने के लिए मैं कहता हूँ कि पता नहीं क्या क्या लोगों ने किया, ओपी था यार ये, इस टाइम में गेम का एक अलग चस था, बट क्या कह सकते हैं। उसके बाद सीज़न 12 में बहुत ही टट्टी हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर आईपैड के प्लेयर सीज़न 12 में देखे, हद से भी ज़्यादा हो गया सीज़न, मतलब कहते हैं ना कि 12 में, सीजन 12। उसके बाद आते हैं सीजन 13 द कार्टूनिस्ट, लानती सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है, अवार्ड दिया गया था इस सीजन को। उसके बाद आते हैं हम लोग सीजन 14 के आरपी पे, ओपी था, बहुत ही मज़ेदार आया, ऐसे लगा जैसे चाइनीज़ गेम है, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे उन लोगों को सीजन को, अच्छा है, सही है। उसके बाद आते हैं सीजन 15 द टटीएस्ट अगेन सीजन, ठीक है, टटीएस्ट से भी ऊपर टटीएस्ट, ठीक है।
तो आते हैं सीज़न 16 पे। बहुत ही मैं कहता हूँ कमाल था, ओपी था, और सीज़न 16 की तरह सेम टू सेम। उसके बाद आते हैं हमारे ये एक मिनट, ये नहीं है, ये है सीज़न 17 अभी जो आया है 60 आरपी पे। फिर उसके बाद आते हैं सीज़न 17 के 100 आरपी सूट पे, बहुत ही ओपी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद आते हैं ये, ठीक है, ये मुझे यहाँ से मिला, क्या कहते हैं, फर्स्ट पावर, ठीक है, सही हो गया। यहाँ से इसका एक इमोट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 आ गया ये, आए हाँ जिंदा है, जिंदा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं हमारे छोटे छोटे मोटे मोटे सूट पे। ये मुझे मिला था, पता नहीं कब मिला था, मतलब 10-20 बार तो ये सूट आया है, सही है। और एक मिनट हम लोग इसको स्विच कर लेते हैं, कहाँ चला गया ये रहा, ठीक है, स्विच अगेन, ठीक है ये। उसके बाद ठीक है, ये सूट आया था कोई सीजन, in destiny, I just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of jealousy, yeah, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the... वहाँ से निकला, और ये भी उसी का है, और ये सीजन 11, ये मुझे बैरल निकालते हुए मिला, ये सीजन 12, और ये भी सीजन 12, थोड़ा बकवास था, ये मेरा अपना सूट, स्पिंस कदीर का सूट, और ये पता नहीं क्या है, ये मुझे UMP में मिला था, ये सीज़न 13 का मैं कहता हूँ घटिया सूट। उसके बाद आते हैं सीज़न 13 घटिया, सीज़न 13 घटिया, सीज़न 14 घटिया, ये सीज़न 14 घटिया, ठीक है, सीज़न 15 का भी घटिया, सीज़न 15 का भी घटिया। फिर उसके बाद ये मिनी में भी निकला, सही है, उस स्क्रीन पे ये मुझे अभी अभी भी मतलब प्रीमियर से, ये मुझे क्या कहते हैं SKS निकालते हुए मिला, SKS था ब्रांड है ना, SKS में आता है, हाँ। इसके बाद आते हैं सीजन 16 का ये, सीजन 16 का ये, सीजन 17 का ये, सारे टट्टी है, सही है। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर और कसाई, और ये सूट हैं, ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, ये वाला, ठीक है, हाय हाय, जिंदा है, जिंदा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे हेलमेट्स पर, इसके बाद आते हैं हेड गियर, ये सीजन 6 का, ठीक है, ये शादी वाला, सीजन 11, सीजन 13, सीजन 15, सीजन 14, 17 का ये भी आया है, रिडीम किया मैंने, ओपी लगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद मास्क पे आते हैं, जोकर का मास्क है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, और काफ़ी मास्क और भी हैं, ठीक है, सांता क्लॉस थी, बाद में थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। एक मिनट, ये मेरा फेवरेट, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही रेयर सूट है ये वाला, ये जो भी मैंने पहना हुआ है। उसके बाद आते हैं मेरे पास ये भी है, कमांडर सेट, ठीक है, सही होगा, और सीजन 2 का है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इस सूट पे, ये भी बहुत पाइनएप्पल सूट, नो, ठीक है, नो, वो नहीं है, ठीक है। बाद में ये भी है, सही है, गन्स, ये है 1KM, क्या कहते हैं उसको, डेजर्ट फॉसिल लेवल 4, और इसके बाद ये भी हमारे पास हैं, सही है, बहुत 1KM। और इसके बाद M16 के स्किन होते हैं 5, ये हैं, ठीक है। इसके बाद स्कारल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, M4 ग्लेशियर मैक्स, और ये कॉल ऑफ वाइल्ड लेवल 1 नॉर्मल, फूल लेवल 2, ठीक है। और उसके बाद ग्रोज़ा
के दो स्किटें पड़ी हैं, ओ की 3, और अभी ये जो न्यू आई है क्या कहते हैं QBZ, ये भी अपग्रेडेबल निकाल दी है। उसके बाद बैरल लेवल 4, ठीक है, और म्यूटेंट की स्किन नहीं है, इसकी स्किन भी है रेडिमेशन से निकाली। कार 98 सही है, अच्छी खासी पड़ी है स्किन, ठीक है। उसके बाद M24 की भी पड़ी है 2, और उसके बाद ABM की भी 4 स्किनें पड़ी हैं। और फिर उसके बाद आते हैं बोल्ट एक्शन पे, SKS की अपग्रेडेबल स्किन है, ठीक है, ये मिनी की भी अपग्रेडेबल स्किन है, ठीक है। हर चीज मतलब आधे से ज़्यादा स्किन्स पड़ी हुई हैं मेरे पास ये जो न्यू गन में। UMP भी अपग्रेडेबल है लेवल 1, उजी है, ये वेक्टर है 3, थॉम्सन, ये क्या कहते हैं पी पी पाइजन शॉर्ट गन, ठीक है। लाइट मशीन गन अपग्रेडेबल, ये भी DP की 3 स्किनें पड़ी हैं, ठीक है। पिस्टल की भी 3 पड़ी हैं, ये देखा ये भी 3-4 पड़ी हैं, और ये भी पड़ी है, ठीक है, ये भी पड़ी है। इसके बाद ये पैन की स्किन्स है, ये वाली अच्छी। Wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. मेरे प्यारे बुजुर्गों, वीडियो ख़त्म हो चुकी है और लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अपना अकाउंट मैं बेच रहा हूँ और आई एम गोइंग टू बाई न्यू वन। थोड़ा वो अच्छा अकाउंट है, इससे मतलब बहुत अच्छा अकाउंट है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा महंगा है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में ये बेचना पड़ेगा, तभी तो मैं वो लूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है अकाउंट लेने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दे, लेकिन सीरियस बायर्स, मजाक नहीं करना, जिसको लेना है सीरियसली। अकाउंट एक्सपेंसिव है, आपको लगा जितना भी होगा, अब आपको पता होगा हर बंदे को नॉर्मल जितना रेट होगा वही होगा। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, अगर आपको अकाउंट लेना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। तो और बाकी दिल से रिस्पेक्ट सबके लिए, लव यू गाइज। इंशाल्लाह जैसे 100K कंप्लीट होंगे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ, आई एम प्रॉमिस्ड कि ऐसी वीडियोज आएंगी ना कि आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी, ठीक है। ऐसी गेम प्लेज आएंगी, ऐसे प्रैक्टिस आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी कि मैं कहता हूँ कि कोई यूट्यूबर मिलियन पे भी इतनी मेहनत नहीं करेगा, ये समझ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखना मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, दुआ में याद रखना, आप तो मेरे दिल में हो। टाटा बाय बाय।